सिविल लाइन थाने में वेब ग्रीन के रहने वाले कारोबारी द्वारा अपनी पत्नी और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद पति पत्नी का झगड़ा सड़क पर आ गया। कुछ दिन पहले एक निजी पैथोलॉजी लैब में अपना और अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाने वाले कारोबारी ने डीएनए मैच न होने के बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी पिछले कई सालों से पड़ोस में रहने वाले एक युवक से शारीरिक संबंध रखे हुए थी और उसके इन संबंधों की जानकारी पत्नी के सभी परिजनों को थी। कारोबारी द्वारा सार्वजनिक की गई कॉल रिकॉर्डिंग में कारोबारी की पत्नी अपने संबंधों को लेकर अपने परिजनों से बात करते हुए और डीएनए टेस्ट के बाद घबराए होने की जानकारी फोन पर दे रही है। दोनों की शादी 2002 में हुई थी और इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की हैं। पिछले काफी समय से पति पत्नी में झगड़े के बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं। पति ने कुछ समय पहले अपने बेटे को फोन लाकर दिया था, जिसका इस्तेमाल पत्नी परिजनों से बातचीत के लिए करती थी। इसी दौरान शक होने पर कारोबारी ने बेटे से फोन लेकर पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग हासिल की। बेटी से अपना डीएनए टेस्ट का जांच पर रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद कारोबारी का अब कानूनी कार्रवाई के लिए वकीलों के संपर्क में है। सार्वजनिक हुई फोन रिकॉर्डिंग में पत्नी डीएनए टेस्ट की जानकारी परिजनों को दे रही है, साथ ही वो परिजनों से अपने पति की हत्या के लिए पैसे खर्च करने की बात भी कर रही। पति का आरोप है कि उसकी जान को खतरा है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो किया है, लेकिन वह पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। मेरा नाम है संजीव सरीन। सर, क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला? मेरी शादी सन 2002 में बरखा जी के साथ में हुई थी, बरखा सलीम। उसके बाद से ही हमारे काफ़ी विचार नहीं मिले आपस में और पिछले 6-7 साल से काफ़ी मुकदमेबाजी हम दोनों के बीच में चल रही है। काफ़ी फर्जी मुकदमे बरखा सलीम जी ने मेरे ऊपर लिखा रखे हैं। मेरा कारोबार भी ख़त्म हो गया। मेरी दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से दुकान थी, बुधवार में इन्वर्टर बैटरी का बड़ा कारोबारी मैं रहा हूँ, लेकिन इस मुकदमेबाजी के कारण मेरा कारोबार भी मेरे हाथ से चला गया। अभी हाल ही में मुझे पता चला, बरखा जी अपनी मम्मी, जिनका नाम बबीता मेहरोत्रा है, उनके साथ में बातें कर रही थी फ़ोन पर। वो बातें मैंने चुपके से सुन ली, जिससे मुझे पता चला कि जो मेरी बेटी है, जिसकी उम्र लगभग 6 साल है इस समय, वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी कॉलोनी में ही तुषार पाठक जी रहते हैं, सन ऑफ भूपेश पाठक। उनका पिछले 8 साल से उनका अफेयर चल रहा है और वो बेटी उन्होंने उनसे ही पैदा कर रखी है। और मुझे उस रिकॉर्डिंग में सुनकर ये भी पता चला, जब मैंने उनके फ़ोन से कुछ रिकॉर्डिंग ले ली बरखा जी के, कि ये सारे लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, जिससे कि जो मेरी संपत्ति है उस पर ये कब्जा कर लें और तुषार पाठक और बरखा उस संपत्ति के ऊपर राशि रचा सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा, तो कैसे आपको पता चला कि आपकी बेटी ने, क्या इसके लिए आपने कुछ प्रक्रिया भी की? जब मैंने बबीता मेहरोत्रा और बरखा सलीम जी की बातें सुनी और मुझे ये बात भी पता लग गई कि इनकी माँ, इनकी बहन, इनका पूरा परिवार भी इस कृत्य में शामिल है, इनके पिताजी विनय मेहरोत्रा भी इसमें शामिल हैं, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल से ले ली अपने बच्चे के द्वारा। उस रिकॉर्डिंग को मैंने ध्यानपूर्वक सुना तो उसमें मुझे पूरा चिट्ठा इनका खुल के साफ हो गया। मुझे पता लग गया डीएनए टेस्ट कराने से पहले कि मेरी बेटी नहीं है। फिर मैंने अपनी तसल्ली कर ली, हालांकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डीएनए टेस्ट मैंने कराया। डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट के मुताबिक मेरा डीएनए मेरी बेटी से 0% भी मैच नहीं हो सका। मैं कप्तान साहब से मिलकर अपनी पूरी कहानी बताई, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरी FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन उसमें जो धाराएं थी, क्योंकि मेरे घर में चोरियां हो रही थी, जिसके पास मेरे पास सबूत है, मेरे पे वीडियो फुटेज है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने पहले भी तहरीर दी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे घर में ही घुस के मुझे मारा पीटा गया, मेरे ऊपर मिर्चों का पानी डाला गया, जिसके लिए मैंने 100 नंबर डायल किया और सिविल लाइन थाने जाकर अपनी तहरीक दी, लेकिन मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये मैंने अभी जो मुकदमा लिखाया उस तहरीक में भी सारी घटनाओं को लिखा है, लेकिन उससे संबंधित धाराओं को नहीं लगाया गया है। तो सर, ये कि आपने कुछ संपत्ति का भी कुछ मतलब जिक्र कराया कि मेरे मतलब जीते जी और माँ बाप के जीते जी? देखिए, मेरा घर तो मिट्टी का रह गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। असली संपत्ति जो मेरे पास थी, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, जो मेरे से, ये चीज़ें सुन के आप समझ सकते हैं मेरी परिस्थिति क्या होगी। लेकिन जब मुझे पता लगा ये लोग केवल मेरी संपत्ति होगी और मुझे मार डालना चाहते हैं, तो मैंने तुरंत अपनी संपत्ति को अपनी जन्म देने वाली माँ के नाम कर दिया। और मैंने अपनी वसीयत में ये भी लिखा है कि अगर मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रहती, तो मेरी जगत माँ, माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के ट्रस्ट में सारी संपत्ति चली जाएगी। क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहता हूँ, इन लोगों को
जो उन्होंने किया, अगर आज एक आदमी अगर ये सब कुछ कर देता, जैसे कि आसाराम जी को देख लीजिए या और बहुत सारे मुहावरे हैं, तो उनको तुरंत जेल में डाल दिया था। लेकिन क्या औरत अगर ऐसा घृणा काम करती है तो उसके लिए कोई सजा नहीं है, कोई धारा नहीं है, उसके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, वो आराम से घूम रही है। मेरी संपत्ति में आज भी काबिज है, आज भी मेरी संपत्ति को इतनी बात भी नहीं छोड़ना चाह रही है। मैं इंसाफ चाहता हूँ और ये कानून जिसने भी बनाया है मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि आदमी करे तो पाप और औरत करे तो पुण्य, ये कहाँ का इंसाफ है। सर जो बच्चे हैं उनका मतलब क्या आपने सोचा है बच्चे के लिए, जैसे उनका तो कोई दोष ही नहीं है इसमें? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरे बच्चों का इस कृत्य में बिल्कुल भी दोष नहीं है और उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा उन मासूमों की ख़राब हो रही है। और मैं ये चाहूँगा कि अपने बच्चों की मैं खुद परवरिश करूँ और उनके लिए ही मैं जीवन जीऊँ, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगा कि उनकी माँ का परछावा मेरे बच्चों पर पड़े, क्योंकि उन्होंने इतना घिनौना काम किया है जो बहुत शर्मनाक है। और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों पर बिल्कुल कर्ज असर ना पड़े, उनको मैं स्वयं पालने में सक्षम हूँ, उनको मैं बोर्डिंग भेजना चाहता हूँ तुरंत इस माहौल से दूर, क्योंकि इस तरीके की जो टेंशन है बच्चों के माइंड पे भी काफ़ी असर डालती है। तो उसमें के लिए क्या मतलब आगे आप क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों की हाई एजुकेशन हो, वो अच्छे इंसान बने और अपने बाप का नाम रोशन करें, उसके लिए जो भी मुझे करना होगा मैं सब कुछ करूँगा। एक पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाकर तहरीर दी है कि उनकी पत्नी ने उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया और कुछ धमकी दी है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर क्या आरोप लगाए हैं उन्होंने? कुछ आरोप लगाए हैं, इनका पहले से विवाद चल रहा है, पहले भी इनकी कोर्ट में भी कुछ सिविल कोर्ट में फैमिली कोर्ट में मुकदमाबाजी चल रही है, इसी को लेके इसी की कड़ी में इन्होंने आज कल फिर एक कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाकर तहरीर दी है कि उनकी पत्नी ने उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया और कुछ धमकी दी है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर क्या आरोप लगाए हैं उन्होंने? कुछ आरोप लगाए हैं, इनका पहले से विवाद चल रहा है, पहले भी इनकी कोर्ट में भी कुछ सिविल कोर्ट में फैमिली कोर्ट में मुकदमाबाजी चल रही है, इसी को लेके इसी की कड़ी में इन्होंने आज कल फिर एक कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं।